19. इसको ड्रिंक की स्मेल आ रही होगी इसलिए वो स्मेल ले रहा है। कैसा है मंडली, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है आदित्य भलेरा और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो गाइज स्टार्ट करते हैं आज का न्यू व्लॉग। तो गाइज अभी बज चुके हैं सुबह के 8:30 और मैं जा रहा हूँ भद्रावती चंद्रपुर में। आज फर्स्ट डॉग शो है, पेट शो, तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ और अपना ड्रिंको भी आज पहली बार शो में परफॉर्म करेगा। तो गाइज चलो चलते हैं वहाँ पे, डायरेक्ट जाके मिलता हूँ आपसे। तो गाइज फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन पे जहाँ पे पेट शो है। तो जाते हैं, गाड़ी पार्क करते, फिर मिलता हूँ आपसे। अभी तो यहाँ पे कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है, हम बहुत जल्दी आ गए शायद। देखो यहाँ पे दो डॉबरमैन है, दो अमेरिकन डॉबरमैन बंधे हुए हैं और ये अपना ड्रेको बैठा है। इनके पास भी एक डॉग है। अब ये भी धीरे धीरे पब्लिक आना स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे। ये देखो सभी गाड़ियाँ लगी है छाव के अंदर और गाड़ियों में है डॉग्स। तो देखो बीगल, यह है रिंग जहाँ पे डॉग्स परफॉर्म करते हैं। ये स्टेज बना हुआ है और उधर स्टॉल लगे उसके पीछे में। ये इधर पब्लिक के बैठने के लिए बनाया चेयर और इस रिंग में करेंगे डॉग्स परफॉर्म। ये देखो इस तरीके से ग्रूमिंग की जाती है शो के पहले। ये हस्की है, क्या नाम है भैया इसका, घोस्ट। यहाँ पे हो रही है डॉग की एंट्रीज और ये है अपने ड्रेको के लिए एग्जिबिट नंबर मिल गया है 039। और ये मिला है अपने को सैंपल फूड। ये सबको ही दे रहे क्या, जितनी भी एंट्री आ रही। अरे होता है कभी कभी, लीगल है। एक तेरे को बताऊं क्या, ये शायद ट्रीट है या फूड है। फूड है। अच्छा ठीक है, लेकिन एक ना एक बच्चे का साइज बड़ा रहेगा। एक फिडल का सैंपल है और हार्डन ग्रेंज का सैंपल है। देखो यहाँ पे ओबीडियंस ट्रेनिंग दिखा रहे हैं, डॉबरमैन है। मैं चाबी लिया गाड़ी की और अपने ओनर के पास लेके गया। जबरदस्त ट्रेन किया हुआ है इन्होंने अपने डॉबरमैन। Thank you.
तो गाइज ये है ट्रॉफीज, यहाँ पे अलग अलग ट्रॉफीज लगाई हुई है। बेस्ट पपी इन शो, रिजर्व बेस्ट पपी इन शो, ऐसे अलग अलग सभी प्रकार की ट्रॉफीज लगी है यहाँ पे। तो गाइज ये है शिट्ज़ू ब्रीड, ये टॉय ब्रीड होती है और बहुत ही क्यूट ब्रीड होती है। तो अभी इनका राउंड चल रहा है। और ये देखो गाइज यहाँ पे उसकी ग्रूमिंग हो रही है। इनका ना मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इनके बाल बहुत लंबे होते हैं, इस कारण इनका मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा रहता है। Last and final call. सारे बग एग्जीबिटर्स प्लीज रिंग में आ जाइए। लास्ट और फाइनल कॉल है बग एग्जीबिटर्स के। और गाइज ये है डैशोन, इनके पैर छोटे होने के कारण इनकी हाइट भी बहुत ज़्यादा छोटी रहती है और इनकी बॉडी लंबी रहती है। और मैक्सिमम लोगों को तो ये ब्रीड के बारे में पता होगा, ये पग ब्रीड है जिनको बहुत से लोग वोडाफोन का डॉग के नाम से जानते हैं। और ये आ गए अपने बीगल ब्रीड, ये भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है टॉय ब्रीड में। जूनियर बीगल एग्जिबिट नंबर 10 11 12 13
एब्सेंट मार्क किया जाएगा। और ये है अपने अमेरिकन बुली, ये शायद क्लासिक साइज है, और ये वाला जो है ये पॉकेट साइज है। और गाइज ये है अफगान होम, ये भी बहुत क्यूट दिखते हैं। जोरदार ताना एक बार है डॉक्टर की, मैं डॉक्टर ना अफगान हूँ। आगे का स्नोई का नंबर। स्नोई। तो गाइज ये है अमेरिकन स्टेफर्डशायर टेरियर, ये भी बहुत बढ़िया दिखते हैं। अकिता एग्जिबिट नंबर 20, ऑल द अकिता एग्जिबिटर्स प्लीज बी इन द रूम। ऑल द सेमॉइड एग्जिबिटर्स, अच्छी जगह है लेकिन अच्छी जगह सिमोइड, ऑल द सिमोइड एग्जिबिटर्स,
सिमोइड एग्जिबिटर्स प्लीज बी इन द रिंग. एग्जिबिट नंबर 21 सिमोइड. तो गाइज इस ब्रीड का नाम है अकिता. और गाइस ये है चाओ चाओ ब्रीड. इसको ड्रेको की स्मेल आ रही होगी इसलिए वो स्मेल ले रहा है. और ये दिखते हैं पूरे टेडी बियर जैसे. अभी ये पपी एज में है और ये बड़ा हो जाएगा तो और भी बहुत ही अच्छा दिखेगा. और इनकी जो ज़ुबान होती है वो पर्पल कलर की रहती है. तो गाइज मैं ये वाला पार्ट यहीं पे एंड करना चाहूंगा क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा. तो गाइज जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना. तो गाइज नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे चैनल पर बने रहना. तो गाइज मैं ये वाला वीडियो यहीं एंड करता हूँ. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.